और अब से बस कुछ ही पल बचे हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे राजस्थान रणजी टीम के कैप्टन और विकेट कीपर रह चुके हैं रोहित झलाणी। तो थोड़ा सा इंतज़ार बस। तो गाइस बस थोड़ा सा इंतजार कर ले आप लोग। तो दोस्तों अब से बस कुछ ही क्षण रह गए हैं, कुछ 4 मिनट के आसपास बचे हैं। तो दोस्तों अब से बस कुछ ही क्षण रह गए हैं, कुछ 4 मिनट के आसपास बचे हैं और फिर उसके बाद हम सभी लाइव जुड़ेंगे रोहित झलानी से, जो कि राजस्थान रणजी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको। और उम्मीद करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको निश्चित तौर पे रोहित झलानी की तरफ से मिल जाएगा। बस कुछ ही पल दोस्तों इंतज़ार कर लीजिए और अब से बस कुछ ही क्षण रह गए हैं, कुछ 3 या 4 मिनट, और इसके बाद रोहित झलानी आपको ज्वाइन करेंगे दोस्तों यहाँ पे। अभी मैं दरअसल वेट कर रहा हूँ कुछ 2-3 मिनट के बाद, और फिर आप लोग बिल्कुल लाइव उनके साथ जो भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे आपको आप कर सकते हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे रोहित झलानी, राजस्थान रणजी टीम के कैप्टन और विकेट कीपर रह चुके हैं। और आपको बता दूं कि 2 बार 2010 और 11 में वाइस कैप्टन थे ये, और राजस्थान रणजी टीम ने उस बार दोनों ही बार खिताब जीता था। तो देखते हैं आखिर, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप लोग। तो गाइस जो भी यहाँ पे जुड़े हैं अपने क्वेश्चंस यहाँ पे आप अभी भी पूछ सकते हैं और मैं उनसे ये क्वेश्चंस रखूँगा आगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके तरफ से वो मैं उन्हें रखूँगा। और फिर तो दोस्तों आइए अब शुरू कर लेते हैं, क्या कहते हैं? हाय ब्रो, कैसे हो आप? बस थोड़ा सा इंतजार और रोहित झलानी जी। रोहित बहुत बहुत स्वागत हमारे लाइव सेशन में। थोड़ी सी दोस्तों इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना समय ले लीजिए। हाँ जी बताइए। जी बहुत बहुत स्वागत आपका, चेहरा अभी नहीं आ रहा आपका, बिल्कुल सही। अब तो बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे, इस लाइव सेशन में जी। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑडियंस से वो मैं आपसे पूछता रहूँगा, और बाकी अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो उम्मीद है कि आप सभी का आंसर करोगे। पूछिए आप। जी तो सबसे पहले जब तक क्वेश्चंस तब तक शुरू करते हैं, और सबसे पहले ऑडियंस को बता दें कि इन्होंने 2010-11 में वाइस कैप्टन ये रह चुके हैं राजस्थान रणजी टीम के, और दोनों ही बार टीम ने जीत दर्ज करा था, खिताब अपने नाम किया था। राजस्थान से हैं ये। तो अब इनसे कुछ सवाल सवाल जवाब रहेगा, तो आपके भी जो क्वेश्चंस रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं रोहित जी कि आपको अगर मौका मिले तो आप एक बार एज अ विकेट कीपर किसे आउट करना चाहेंगे? सचिन तेंदुलकर एक तमन्ना है जिन्हें विकेट के पीछे कैच पकड़ना चाहूंगा उनका मैं। जी 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 बिल्कुल। कैच हो सकता है, स्टंप हो सकता है, जो भी दोनों में से कुछ भी बिल्कुल सही। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस गेंदबाज को आप रन्स करना चाहोगे,
मतलब बहुत आनंद आता हो आपको, आपने रन्स करे हो, या फिर अगर आगे आप उनके खिलाफ खेलते हो, रन बनाते हो, तो आपको अच्छा महसूस होगा वैसा? देखिए, मैं जहीर के खिलाफ खेला हूँ जी और जब वो आए थे बड़ा तेज हुआ करते थे, तो उस समय उनके गेंद पर रन बनाए थे, वो जी 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 बहुत अच्छा लगा था। जब यंग जहीर आए थे तब उन्हें खेलना अच्छा लगा था। जी बिल्कुल, जहीर खान बहुत शानदार प्लेयर है वो, और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी, फाइनल में भी कमाल का प्रदर्शन किया था, याद होगा। हालांकि आखिरी कुछ ओवर्स में उनके शायद रन आए थे ना। बिल्कुल, हाँ, शानदार प्लेयर, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं बॉलिंग जो है आज भारतीय टीम की वो जहीर बहुत है। खान। जी हाँ, इंडिया में बॉलिंग में ट्रेन को चेंज करने वाले हाँ बहुत हाँ से बिल्कुल प्लेयर थे बिल्कुल, एक ये बार। मानने वाली बात है, बिल्कुल सही। और गाइज, अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये पूछ रहे हैं आप, कौन सर, ध्रुव शौर्य को क्या, ये पूछ रहे हैं आप, ध्रुव शौर्य को जानते हो? जी बिल्कुल, वो जानते होंगे, निश्चित जानते होंगे, क्यों नहीं जानेंगे। ध्रुव शौर्य को पूछ रहे हैं आप, जानते हो क्या? तो ये मैंने कहा बिल्कुल। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, विराट और रोहित में आप किसे बेस्ट मानते हैं? बैट्समैन और एज ए कैप्टन, देखिए एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, सॉरी, अगर बल्लेबाजी की बात एज ए करें। बैट्समैन तो दोनों जी का बल्लेबाजी, दोनों ही अपने अपने स्तर पर क्लास हैं, तो बिल्कुल ये पिक कर पाना कि दोनों में से बेहतर कौन है बहुत मुश्किल होगा। दोनों ही बिल्कुल अपने अपने खेल के जबरदस्त खिलाड़ी हैं। मतलब जहां रोहित शर्मा को हम देखते हैं एज ए ओपनर, जिन्होंने जो रन बनाए हैं बिल्कुल, तीन दोहरे शतक है वनडे में, वहीं विराट कोहली चेजिंग के टाइम पे सबसे सक्सेसफुल प्लेयर में से एक माना जाता अभी है, उनका दरअसल हम लोग बात रन कर रेट रहे बड़ा हैं। अच्छा है। हाँ हाँ जी, तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कहिए रोहित, विराट कहिए। दोनों को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। दोनों बिल्कुल ही अपने 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 क्षेत्र में शानदार हैं बिल्कुल और दोनों ही अपने दिन, मतलब दोनों ही मैच विनर्स हैं, और जिस दिन उनका होता है उस दिन दोनों ही अलग किस्म के बल्लेबाज हैं। बिल्कुल, दोनों शानदार प्लेयर हैं, दोनों शानदार कैप्टन हैं, और दोनों की कहीं ना कहीं वो जो तरीका, रणनीति होता है कैप्टनशिप का, वो अलग अलग जरूर है, पर दोनों ही शानदार है। और सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों इंडियन हैं। और हाँ देखिए क्या बिल्कुल होता है, हर कप्तान का एक तरीका होता है, एक बिल्कुल बिल्कुल विजन होता है, एक पॉलिसी होती है, हिसाब से वो काम करते हैं। तो जी बिल्कुल दोनों ही सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन अच्छा है कौन हाँ उससे क्या बिल्कुल, काम दोनों कर रहा है। शानदार हैं, सही। और कैप्टनशिप की बात करें थोड़ी सी। सेम बात है, दोनों ही बराबर अच्छे कप्तान हैं, दोनों ही एक ओके बिल्कुल, एग्रेसिव है, एक थोड़े कूल है, कंपेयर लेकिन नहीं है, कहने का तरीका दोनों मतलब का एक सा कंपेयर है। नहीं है दोनों के बीच, दोनों शानदार हैं। हाँ जी, हाँ कंप्लीट, बिल्कुल। अच्छा, वो कह रहे हैं ध्रुव, आप पूरा नाम बताइए, आप DRUV ऐसे कुछ लिख रहे थे, वो मुझे दरअसल समझ में नहीं आ रहा, पूरा नाम बताएगा ना तब मैं समझ पाऊंगा, शायद स्पेलिंग का कुछ है चक्कर इसमें। तो अगला क्वेश्चन है कि आपके फेवरेट IPL टीम आपकी कौन सी है? देखिए, टीमें सारी अच्छी हैं, सारे प्लेयर्स इंडिया के मैक्सिमम खेल रहे हैं, सब टीम अच्छी लगती हैं, लेकिन जी समाउ मुंबई इंडियंस को ज्यादा सपोर्ट है मेरी तरफ से। हाँ अच्छा, एक सेकंड, ये कह रहे हैं ध्रुव सिंह, शायद कह रहे हैं DRUV और SING है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा दरअसल, तो शायद अगर आपको पता हो, नहीं जान रहे क्या ध्रुव सिंह, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि फास्ट बॉलिंग एक्शन कैसे, मतलब क्या उसके लिए क्या सब चीज़ें चाहिए, क्या कुछ बताइए फास्ट बॉलिंग एक्शन के बारे में। ये फास्ट बॉलिंग इज ऑल अबाउट रिदम, तो जी बिल्कुल एक रिदम होना बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है फास्ट बॉलिंग के लिए, बिल्कुल, और डाइट और वगैरह क्या एक सब, सब कुछ कंप्लीट। हाँ जी, डाइट वगैरह क्या सब बैट्समैन और बॉलर के अलग अलग होने चाहिए, या फिर बराबर डाइट वगैरह? सबके अपने रोल के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। मीडियम पेसर की जी मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन बैटिंग भी उतनी ही मेहनत रिक्वायर करती है, बिल्कुल बिल्कुल तो डाइट तो सबको ही फॉलो करनी पड़ती है। एक स्पोर्ट एज ए स्पोर्ट्समैन आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना भी चाहिए, तो बिल्कुल, हाँ हेल्दी खाना, हेल्दी चीजों पर ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। तो आगे, आप रिदम की बात कर रहे थे, आपने फूड के बारे में बताया कि क्या खाना चाहिए, उसके बाद एक क्वेश्चन IPL टीम के बारे में, कि आप मुंबई इंडियंस कह रहे थे, तो बताएं जरा कि किसे आप पसंद करते हैं, किस प्लेयर को, और उसके वजह से आप मुंबई इंडियंस आप समझते हैं कि बेहतर टीम है, फेवरेट है आपकी? देखिए, मुंबई इंडियंस की टीम बड़ी बैलेंस है,
बिल्कुल चाहे बैटिंग उठाए चाहे बॉलिंग उठाए, जी मैं भी कहना चाहूंगा बैटिंग को आप लें, हर क्षेत्र मेरे, हमारी बैलेंस टीम है। हाँ मेरी फेवरेट टीम भी है मुंबई, रोहित शर्मा हो गए, दीपक, हाँ जी मेरी फेवरेट टीम भी मुंबई है, तो मैं इसके बारे में अच्छे से सुनना चाहूंगा दरअसल। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए आप बैटिंग में देखेंगे तो डिकॉक और रोहित शर्मा है, जी फिर ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल, जबरदस्त हाँ प्लेयर है, और जो मुझे यकीन है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बिल्कुल साबित करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बड़े बिल्कुल शानदार बल्लेबाज हैं, शानदार प्लेयर है बिल्कुल। फिर ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं इनके पास, उसके बाद राहुल चार बहुत अच्छा बॉल डालते हैं, जी 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 बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, कुणाल पांड्या है, तो एक बड़ी ही बैलेंस टीम है और ऑलराउंडर्स बैट्समैन बॉलर अच्छा कॉम्बिनेशन है इनके पास। जी 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 बहुत बढ़िया, मुंबई की टीम शानदार है, बुमराह, अभी मलिंगा तो उन्होंने हालांकि अब लीव कर दिया है, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, बोल्ट मलिंगा हैं, की नहीं होते भी उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी है। जी बिल्कुल, बोल्ट, बुमराह, इन्होंने तो लगातार शानदार प्रदर्शन करा है। और पूछ रहे हैं कि विराट कोहली और केएल राहुल में कुछ बताइए, क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है? देखिए समानता है तो क्या है, दोनों ऐसे बैट्समैन हैं कि एक बार शुरू होने के बाद लंबे रन देखते हैं, बिल्कुल और विराट को हम जानते हैं चेजिंग में उनका एक हाँ, फोकस उनका लेवल नहीं सानी कोई होता नहीं है, है, और उनके चेज जैसा में कोई नहीं है, बिल्कुल थोड़ा चेजिंग में ही उनके जैसा कोई नहीं है। मुकाबला नहीं है उनका, जी और जी जी केएल राहुल बहुत ही उभरते हुए बल्लेबाज हैं जी और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में अपने आपको प्रूव कर चुके हैं, और मैं श्योर हूँ जब भी टेस्ट मैच में मौका मिलेगा उनको, मुझे काफी उम्मीद है कि अभी केएल जो राहुल को, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज होगी जी उसमें वो बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल 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 जरूर। और इसके बाद क्वेश्चन रहेगा, बेस्ट टीम मेट आपके कौन रहे अब तक? देखिए टीम 15 जनों की होती है और सारे ही दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, जी सबकी कई बार खेलना अच्छा लगा है, कई अच्छे पार्टनर्स हुए हैं, जी जी बिल्कुल, तो ऐसा सच कोई एक का नाम लेना तो नाइंसाफी होगी। हाँ हाँ सही बात कह सकते हैं। जी जी दरअसल ये जो क्वेश्चन है इस पे सभी क्रिकेटर्स फंसते हैं, क्योंकि फिर उन्हें मैदान में फिर वापस जाना होता है, प्लेयर्स से मिलना होता है, तो फिर वो भारी पड़ सकता है आंसर। बिल्कुल देखिए टीम 15 की होती है और सब सारे दोस्त होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी एक जैसे होते हैं, भाई भाई। वैसे अब शायद वैसा नहीं होता होगा, पर बचपन में जब आप थे तो मैं भी, जब आप मैच देखते थे टीवी पे और कोई एक ऐसा प्लेयर जो आउट हो जाता हो, तो आप टीवी बंद कर देते होंगे, और इस बारे में टीवी बंद तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे जब हमने क्रिकेट शुरू करी तो सचिन का बड़ा होता था, बिल्कुल रियाज सबका यही आमिर जवाब रहा है का मैं भैया। बहुत जबरदस्त फैन था, तो उनकी बैटिंग देखनी बड़ी अच्छी होती थी, तो लगता था कि आउट ही ना हो हाँ, वो आउट होते तो फिर लगता था क्या मैच मैच में। ये, हाँ बिल्कुल। तो क्रिकेट प्रेमी का शौक था, मैच पूरा देखते थे। अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने किए, फेवरेट प्लेयर्स की अलग बात होती है, पर ये क्वेश्चन जिन जिन से किया गया है, ये दरअसल सबसे पूछते हैं, और इसका जवाब भी सबका सेम रहता है, ऐसा है। हाँ एक्चुअली वो क्रिकेट शुरू करने के टाइम में सचिन भी हमारे हीरो हुआ करते थे, तो बिल्कुल बिल्कुल सचिन को भी देखना पसंद करते थे। जी बिल्कुल। और आप अभी WTC वर्ल्ड कप हुआ, WTC हुआ, अभी T20 वर्ल्ड कप की बाद में बात करेंगे, WTC हुआ, उसमें क्या लगता है आपको, क्या खामियां रह गई फाइनल मुकाबले में क्या खामियां देखिए रह गई? खामियाजों की बात नहीं है, मैं न्यूजीलैंड की तारीफ करना चाहूंगा, बिल्कुल न्यूजीलैंड की प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन बिल्कुल और जो प्लानिंग थी वो बहुत शानदार थी, जी उन्होंने फाइनल से पहले 2 मैच खेले अगेंस्ट इंग्लैंड, दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बिल्कुल और बहुत तरीके से उन लोगों ने प्रिपरेशन की थी फाइनल की, बैट्समैन टू बैट्समैन, बॉलर टू बॉलर, बिल्कुल एक एक चीज उनकी बड़ी प्लान थी, बिल्कुल, और और बेस्ट उन्होंने बात था कि स्पिनर्स भी ना नहीं उनके खिलाए थे, बॉलर ने सिरे से बॉल डाली उस कमजोरी पे, बैट्समैन की कमजोरी पे बॉल डाली, तो बिल्कुल स्पिनर्स को नहीं उसकी खिलाया एक और वो होती भी है कि काम कर गया प्लानिंग है। और प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन, वो बहुत शानदार था बिल्कुल न्यूजीलैंड का। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, और स्पिनर्स को उन्होंने नहीं खिलाया था, पेसर्स रखा था उन्होंने, और वो भी काम ही लेकिन करा बिल्कुल इसके वो इनके लिए। इंडिया की कमजोरी पे उन्होंने अटैक किया, जी बिल्कुल हाँ और जहां बॉल हिलती है उन्होंने मैक्सिमम बॉलर्स वो खिलाए जो बॉल को मूव करा सके, मैक्सिमम या ऋषभ पंत पहले इनिंग्स में तो फ्लॉप हो गए थे, 4 रन बनाकर आउट हो गए थे वो ऋषभ पंत, लेकिन दूसरे इनिंग्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 41 तक पहुंच गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो स्टार्ट लेकर के आउट हो गए, तो वो भी शायद बेहतर नहीं था, इससे अच्छा कर सकते थे वो। देखिए ऋषभ पंत का बहुत अभी शॉर्ट करियर हुआ है, लेकिन उन्होंने ही शॉर्ट करियर में अपने आप को बहुत प्रूव किया है, तो बिल्कुल हाँ और वो मैच विनर प्लेयर है, उनका खेलने का तरीका वही है, जी और इसी तरीके से उन्होंने कई मैच जिताए हैं और आगे भी जिताएंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल ऑनली पूरे बिल्कुल मैच का ये बोले कि ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेल पाए इससे आउट हो गए,
हाँ सही, वो दरअसल बॉलिंग अटैक जिस तरीके की थी वहाँ पे ऋषभ पंत ने दूसरी इनिंग्स में एक अलग सी बात हो गई कि वो स्टार्ट था उनको मिला था अच्छा स्टार्ट, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर भी वो 41 रन करना बहुत आसान था नहीं उन प्लेयर्स के खिलाफ जी। और ये श्रीलंका की टीम मतलब लगातार लड़खड़ा रही है, लगातार पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कुछ निकल क्या नहीं रहा, कोई बल्लेबाज मतलब किसी इनिंग्स में शतक मारता है तो फिर वो अगले 5 या 7 मैच तक 20-10 के अंदर आउट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लुढ़क रही है जैसे श्रीलंका टीम, आप देख सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप हो गई है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि कहाँ खामियां हैं श्रीलंका टीम में आपके हिसाब से? देखिए वापस से फिजिक्स पे जाना पड़ेगा, श्रीलंका का पहला जो डोमेस्टिक फिक्चर था वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल अच्छा क्रिकेट, अच्छे क्रिकेटर्स निकलते थे, एक अच्छा फॉर्मेट था, तो कहीं ना कहीं या तो ग्रासरूट लेवल पे या डोमेस्टिक सर्किट पे वापस लौटना पड़ेगा और पुरानी चीजें वापस से करनी पड़ेंगी जिससे कि वो अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस कर पाए, तो ग्रासरूट लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है किसी भी टीम को अच्छे प्लेयर्स कंटिन्यू मिलते रहे उसके लिए। मैं आपको इंडिया का एग्जांपल दूंगा, इंडिया की एक टीम टेस्ट मैच खेलने गई हुई है उसके बाद पैरेलली सेकंड टीम तैयार है जी, ऐसा है भरत शर्मा है क्या कोई, शायद आप जानते होंगे नहीं क्या, और इधर मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनके कुछ, मैंने मुझे लगा आप अगर पहचानते हैं, नेटवर्क की कुछ इशू है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क की कुछ इशू हो गई है गाइस, फिलहाल तो नेटवर्क की इशू है, उम्मीद करूंगा कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मैं तब तक इंतज़ार करता हूँ रोहित झलानी का जी, वो नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था और वीडियो रुक गया था बिल्कुल है। हाँ अभी आवाज़ थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, थोड़ी देर रुक जाते हैं शायद ये ठीक हो जाए। और ये नीतीश राणा और चेतन सकरिया जा रहे हैं श्रीलंका दौरे पे, हाँ तो क्या लगता है आपको ये दोनों, इन दोनों को डेब्यू करने का मौका मिलेगा क्या? देखिए राहुल द्रविड़ ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम प्लेयर्स को एक्सपोजर मिले और चांस मिले खेलने का, अपने आप प्रूव करने का, डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हर खिलाड़ी को मौका देंगे, हर खिलाड़ी को मौका मिले एक मैच में। उन्होंने कहा था शायद कि द्रविड़ ने कहा था, राहुल द्रविड़ जी ने, कि जो भी प्लेयर्स जाएंगे मेरे साथ बाहर दौरे पे उनको एक भी मैच नहीं मिले ऐसा शायद नहीं हो सकता है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं चेतन सकरिया और नीतीश राणा के डेब्यू करने के इस सीरीज में। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश राणा और सूर्य कुमार यादव ये दोनों निश्चित डिजर्व करते थे, बहुत समय से शानदार इनिंग्स भी खेल रहे थे ये दोनों, तो कोशिश करेंगे, उम्मीद रहेगी कि मौका मिले इन्हें और अच्छी बल्लेबाजी करें और चेतन सकरिया अच्छी गेंदबाजी करें। बाकी अब आप ये बताइए कि बेस्ट टेस्ट मैच आपको आपके हिसाब से अब तक कौन सा रहा है? देखिए अंडाउटली जो लास्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच जीते हैं इंडिया वाले, जी जी जी, वो बड़ा थ्रिलिंग वाला मैच था, बिल्कुल ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करके मैच जिताया था, जी जी जी, वो एक टेस्ट मैच है जो बहुत टर्निंग पॉइंट रहा था। अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया में कहां कहा आपने, आपने कहा कहा अभी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मैच खेले थे लास्ट? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जिसमें ये पंत ने शायद चौका लगा के जिताया था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, वो बहुत ज्यादा शानदार मुकाबला भी था और बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था और इतने समय के बाद इतना शानदार टेस्ट मुकाबला, इंडिया का बहुत बहुत ही अलग, बिल्कुल 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 जश्न मनाया गया था, और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड का मुकाबला। इससे पहले एक चीज, देवदत्त पड्डीकल के बारे में लोग कह रहे हैं कि देवदत्त पड्डीकल के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए देवदत्त पड्डीकल ने डोमेस्टिक सर्किट में बड़े रन करे हैं, अभी आईपीएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मैं उन्हें फ्यूचर का प्लेयर मानता हूं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो आईपीएल में श्रीलंका सीरीज में अच्छा करेंगे और आगे वाले टाइम में इंडिया के वन ऑफ द मेन बैट्समैन होंगे। जी बिल्कुल, देवदत्त पड्डीकल शानदार प्लेयर, जी जी जी, और पृथ्वी शॉ, देवदत्त पड्डीकल, ये सब कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में शानदार प्रदर्शन करेंगे भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, मैंने ऐसे बोला कि आईपीएल और जो इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट है उससे सेकंड लाइन ऑफ
प्लेयर्स बहुत तैयार हो गए हैं जी 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 बिल्कुल हाँ आज सही इंडिया इस पोजीशन पे है कि दो पैरेलल टीमें तैयार करती हैं, एक टीम टेस्ट मैच खेल रही है उसके अलावा बिल्कुल एक टीम बिल्कुल। तैयार है, तो ये बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए। और इसमें आईपीएल का बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। बिल्कुल हम लोग नकार नहीं सकते ये बात, ये हाँ बिल्कुल सही फैक्ट है, कई प्लेयर्स आईपीएल से निकले हैं और इवन हम लोग जो अवॉइड कर रहे हैं इंडिया का डोमेस्टिक सर्किट वो भी बड़ा अच्छा हो रहा है और ग्रेजुअली उसमें बड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है और अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये बताएं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट एसएच टेस्ट था वो आखिरी टेस्ट था दरअसल, और कुछ 100 रन से ज़्यादा चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए, याद होगा आपको, और बेन स्टोक्स ने वो मुकाबला जिताया था, बिल्कुल आखिरी विकेट था वो, देखिए तो उसके बारे में कुछ। पहचान बोल सकते हैं कि वो ऐसे मैच जिताता है जो अनबिलीवेबल मैचेस होते हैं जो बिल्कुल सदियों में एक ही मैच होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हाँ मैचेस बार बार नहीं होते हैं, तो ये एक बड़े प्लेयर होने की पहचान कराता है और एक जो बोलते हैं ना एक टेम्परामेंट दिखाता है बड़े प्लेयर बिल्कुल। का, और तो ये फाइटर मैच प्लेयर, जिता के। क्योंकि हाँ इन्हें दरअसल जी 2016 था शायद, 2016 में कुछ 24 रन चाहिए थे मेरे हिसाब से, और चार छक्के, शायद चार छक्के मेरे हिसाब से लगातार जड़े थे ब्रैथवेट ने इन्हें स्टोक्स को। बिल्कुल ये वर्ल्ड कप की बात है, ब्रेजिल हाँ ने 4 छक्के मार के मैच जिताया था, वो बिल्कुल। तो वहाँ पे कितना, 18 रन लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए थे, उन्होंने 4 छक्के मारे। हाँ, 18, चार छक्के मारे थे ना, हाँ हाँ जी 19 चाहिए होंगे शायद, वो थोड़ा सा है और डाउट मुझे। उसके बाद कमबैक करके ऐसा टेस्ट मैच जिताना सच्ची बिल्कुल में बिल्कुल। ये स्टोक्स का करेक्टर दिखाता है। और वही वहाँ पे देखिए वर्ल्ड कप जिताया, और फिर इंग्लैंड की दरअसल मैं दो प्लेयर्स की बात करूँ, एक तो बेन स्टोक्स की बात करी हम लोगों ने, अब स्टुअर्ट ब्रॉड को भी देखिए, जिस तरीके से इन्हें 6 छक्के पड़े थे T20 में युवराज सिंह की तरफ से, और फिर उसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए, जबकि कोई और प्लेयर्स 3-4 छक्के खाने के बाद उन्हें बहुत सारे मैचेस नहीं खिला जाते, लेकिन ब्रॉड ने वहां से वापसी करी, और देखिए क्या शानदार देखिए गेंदबाजी देखिए है। मैं इसमें तारीफ करना चाहूंगा क्रिकेट बोर्ड की, ईसीबी बिल्कुल ने अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस दिखाया, उनको सपोर्ट किया, उनको बिल्कुल। बैकअप किया और उन्हें विश्वास दिलाया उनपे कि ये अच्छे प्लेयर हैं और ये कमबैक करेंगे, और क्या कमबैक भी किया इन दोनों तो प्लेयर्स ने। डेफिनेटली डेफिनेटली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इंग्लैंड के सपोर्टिंग स्टाफ का, जो इंग्लैंड की जो कोचेज और जो सेलेक्टर्स हम बोलते हैं जी उनका बहुत बड़ा रोल है, उनको उनपे विश्वास दिला के उनपे कमबैक कराने का। बिल्कुल बिल्कुल शानदार, और वापसी भी शानदार करी इन्होंने, और ये न्यूजीलैंड ने बहुत समय के बाद कई बार, दरअसल ये 2015 में सेमीफाइनल में पहुंचे थे, फाइनल में हारे थे 2015-19, और फिर 16 में शायद T20 वर्ल्ड कप, और फिर यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ इन्होंने एक मौका मिला और क्या शानदार तरीके से वापसी करी। कहीं ना कहीं वो जो लगातार नॉकआउट्स मुकाबले हारते थे उस चीज़ को तोड़ा और दिखाया कि हम कर सकते हैं, और उम्मीदें भी थी उनसे। मैं कहना चाहूँगा मेरे हिसाब से अगर न्यूजीलैंड के अलावे किसी और टीम ने भारत को हराया होता फाइनल में तो हमें ज़्यादा दुख होता। बात सही है आपकी, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, न्यूजीलैंडर्स एज ए टीम हरदम अच्छा करते हैं, सरविन हाई आप पुराने रिकॉर्ड भी उठाएंगे कि जी प्लेयर्स बड़े नहीं है लेकिन एज ए टीम एज ए यूनिट वो हरदम अच्छा करते हैं। जी सरविन, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, गाइस आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी पूछने हो, कुछ मिनट्स रहेंगे हम लोग, 5 मिनट 7 मिनट रहेंगे यहाँ पे अवेलेबल। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? और ये मोहम्मद सिराज के बारे में, कुछ समय पहले तक मोहम्मद सिराज को हम लोग एक्चुअली ये ड्रीम इलेवन से शुरू हुआ था, मुझे जितना याद है कि एक समय था जब ड्रीम इलेवन पे कोई उनको लेता ही नहीं था, पॉइंट कम हो जाते थे, ड्रीम इलेवन पता ही होगा, पॉइंट्स कुछ बहुत कम हो जाते थे, तो लोग सोचते थे कि अच्छा अब कुछ नहीं है तो इन्हें ले लेते हैं, 8 पॉइंट में मिल जाते हैं। तो अब देखिए वहाँ से, मतलब लोग समझते थे कि ये विकेट नहीं लेने वाले हैं, पर अब कहीं ना कहीं उन्हें कैप्टन बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग अब समझते हैं कि मोहम्मद सिराज सबसे शानदार प्लेयर है, भारतीय टीम के सबसे शानदार गेंदबाज है, कईयों का ऐसा भी मानना है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने करके दिखाया है, एक सामान्य बॉलर थे, कहीं ना कहीं लग रहे थे कि सामान्य से बॉलर है, लेकिन शानदार नहीं, तरीके देखिए से मैं एक बात खुद बोलना को। चाहूंगा कि जी मोहम्मद सिराज को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ जी जी और इससे पहले वो कंटिन्यू इंडिया ए सीरीज खेल रहे थे जी और लाल बॉल से इंडिया ए सीरीज में आप यदि पुराने रिकॉर्ड उठाएंगे तो मोहम्मद सिराज वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं उस सीरीज में, बिल्कुल तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो राहुल द्रविड़ का जो रोल चल रहा था जो इंडिया ए के साथ में वो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे थे,
विराट कोहली के साथ आईपीएल में जो काम कर रहे थे उसके रिजल्ट धीरे धीरे सामने आने लगे। बिल्कुल हाँ, और बड़े एंथुसियास्टिक बॉलर है, एनर्जी है, स्पेस है, दोनों साइड मूवमेंट है। बिल्कुल, और कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में वो भारतीय गेंदबाज है, उन्हें खेला है और उम्मीद करेंगे कि आगे भी बढ़िया प्रदर्शन जारी रखेंगे। और विराट कोहली की प्रशंसा करनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स दिए हैं आप देख सकते हैं, वाशिंगटन सुंदर भी शानदार प्रदर्शन कई बार देखने को मिला है उनकी तरफ से, फिर मोहम्मद सिराज आए हैं, तो ये प्लेयर्स कहीं ना कहीं शिवम दुबे थे शायद, तो इन प्लेयर्स को लेकर के आए विराट कोहली और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो विराट की भी प्रशंसा मेरे हिसाब से बनती है। एक कप्तान की बारे में हम लोग हार जीत से बात नहीं कर सकते, हम ये भी देखते हैं कि एक कप्तान ने अपने कप्तानी में कितने प्लेयर्स को प्रमोट करके अच्छा बनाया, बिल्कुल इसमें कितना कॉन्फिडेंस दिखाया, कितने प्लेयर्स को आगे निकाला, बिल्कुल बिल्कुल, और जो प्लेयर्स अच्छे हैं उनमें परफॉर्मेंस कैसे बाहर निकाली। बिल्कुल, एक कप्तान होने के नाते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जो विराट बहुत बाखूबी निभा रहे हैं। जी निश्चित, विराट कोहली शानदार यहाँ पे कैप्टनशिप तो जबरदस्त करते ही हैं और उन्होंने क्या शानदार प्लेयर्स दिए हैं इंडियन टीम को, तो उनकी प्रशंसा बनती भी है। और ये आप ये बताएं कि लॉकडाउन में आपको आप प्लेयर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लेयर्स ने किस तरीके से अपना समय बिताया होगा, क्योंकि उनको लगातार खेलते रहने की, प्रैक्टिस में रहने की, मैचेस में रहने की रहती है आदत, तो उसको कैसे उन्होंने डील करा होगा, मैनेज करा होगा, ये दिक्कत भरा हुआ होगा मेरे हिसाब से। नहीं देखिए, दिक्कत तो नहीं करता है कि एक ब्रेक भी जरूरी होता है कई बार, अपने आप को एनालिसिस करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कई बार एक ब्रेक जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत लंबा ब्रेक नहीं था, अपने आप को कंटेन कर सको, बट ब्रेक बहुत लंबा हो गया था, लगभग एक साल कह सकते हैं। कंडीशन ऐसी थी कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी जो जितना मैं जानता हूं प्लेयर्स अपने इंडोर प्रैक्टिस करते रहे, अपना काम करते रहे, बिल्कुल इंडोर प्रैक्टिस फिटनेस वगैरह, और जहां मौका मिला अपनी प्रैक्टिस करते रहे। बिल्कुल, तो और गाइस आपके और कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं वेट करूंगा आप लोगों का। जी अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव आने के लिए। आप लोग सभी लोग गाइस जिन्हें भी कुछ क्वेश्चंस अगर करने हो तो निश्चित अपने क्वेश्चंस पूछें। इन्होंने पूछा है कि आपने एक मैच में सबसे ज्यादा कितने विकेट चटकाए हैं विकेट कीपिंग करते हुए। छह कैच, और उसमें स्टंप भी आया था क्या? हाँ जी, उसमें स्टंप था। अच्छा, छह कैच और स्टंप, मतलब टोटल कितने थे? वीडियो रुक गया है आपका। मैं एक मिनट वही ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट रुक गया। ओके ओके ओके, बिल्कुल। गाइज थोड़ा एक मिनट वेट कर लीजिए आप, और जो भी क्वेश्चंस पूछने आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा था आपकी कीपिंग के बारे में पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा मैच रहा है जहां पे आपने सबसे ज्यादा विकेट लिया और कितने विकेट लिए विकेट कीपिंग के। बॉम्बे मेरे एक मैच में हाईएस्ट विक्टम्स हैं जी, और बॉम्बे के अगेंस्ट मेरे एक मैच में 5 कैच और एक स्टंप थे। अच्छा ओके वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और ये फाइनल मुकाबले में आपने खेला था ना, वाइस कैप्टन थे तो खेलना तो जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे आपने दोनों ही मैचों की अगर बात करें तो क्या किया था, कुछ डिस्क्राइब जरा, क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल होगा वहाँ पे, ये सभी चीजें। देखिए ये तो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, कोई भी टाइटल जीतना और रन ट्रॉफी टाइटल जीतना डोमेस्टिक में बहुत बड़ा जी बिल्कुल मायने रखता है, और एक सबका एक ड्रीम होता है कि रन ट्रॉफी टाइटल जीतने वाली टीम का पार्ट बने। बिल्कुल, हाँ वो अलग रहता है एक्साइटमेंट। तो गाइस अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप जल्दी जी बिल्कुल, ये विकेट कीपर बैट्समैन है और कैप्टन रह चुके हैं राजस्थान की रणजी टीम का, और इन्होंने दो बारी वाइस कैप्टन थे जब टीम रणजी ट्रॉफी इन्होंने जब जीता था राजस्थान की टीम ने। और कोई क्वेश्चंस गाइस, बस कुछ ही मिनट्स अब हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे चूंकि 2:30 होने को आया है। तो झलानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लाइव सेशन में आने के लिए। जी बिल्कुल, और आगे भी कुछ रहेंगी तो हम लोग ज्वाइन करेंगे, लगातार बने रहेंगे एक दूसरे के। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कट कर दो उधर से, मैं थोड़ा ऑडियंस से कुछ बात कर लेता हूँ अभी।
तो गाइस आप लोगों को तो गाइज उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये जो लाइव सेशन है वो पसंद आई हो, और
दोस्तों आगे भी आप लोग लगातार बने रहे हमारे लाइव सेशन में। अगले जो लाइव सेशन आएंगे उसमें हम लोग अलग अलग प्लेयर्स की लाइव इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेके आएंगे। कुछ कोच होंगे, उनकी लाइव इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे सेशन को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल। तो जो भी चीज़ें रहें, एक बार फिर से बतानी चाहूँगा, जो भी चीज़ें रहें आप लोग ज़रूर अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। आगे जो आने वाले इंटरव्यूज़ हैं, अलग अलग तरह के प्लेयर्स, अलग अलग अंडर 19 प्लेयर्स, रणजी प्लेयर्स, सभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इंटरव्यू में। तो ज़रूर ही हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन करते रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल। जी कहिए, आपने कौन सी बात, मैंने आपके क्वेश्चंस पूछे थे। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं दरअसल लीव कर ही रहा था कि मैंने आपके कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे बताइए। और मैं एक चीज़ और बतानी चाहूँगा बिस्ट जी, केशव बिस्ट की, मैं लगातार पूछा था लेकिन पता नहीं चला। दरअसल कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर। तो दरअसल दिक्कत ये थी कि वो भरत शर्मा शायद नहीं जान रहे थे वो, और इसलिए वो बता नहीं पाए। बाकी मैंने क्वेश्चंस पूरी करी और आपको बता दूं कि यहाँ पे लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और इसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी जी। बहुत शुक्रिया केशव बिष्ट जी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी इस लाइव सेशन को ज्वाइन करा। उम्मीद करेंगे कि आगे जो हमारे आने वाले लाइव सेशंस हैं उसे आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करेंगे और वहाँ भी बहुत सारे, जी शुक्रिया, और वहाँ भी बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले हैं आगे भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आगे भी बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए लाइव इंटरव्यू में। तो उम्मीद करेंगे कि ये लाइव सेशन आपने पसंद किया होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और आगे भी जो इंटरव्यूज आएंगे वो निश्चित तौर पे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो दोस्तों आगे हम लोगों के साथ जुड़ेंगे अफगानिस्तान के कोच, नेपाल के कोच भी जुड़ेंगे, उसके अलावे बिहार के रणजी प्लेयर, जी शुक्रिया बिहार के रणजी प्लेयर और भी तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट के रणजी प्लेयर और इंडिया अंडर 19 प्लेयर्स भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये लाइव सेशन पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, रोहित शर्मा से भी करो, जी बिल्कुल उसके लिए करेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा समय चाहिए, इस चैनल को थोड़ा और डेवलप होने देते हैं। ओके बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा समय चाहिए, अभी इस चैनल को थोड़ा डेवलप होने दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगले सेशन में, अगर आप लोग इजाज़त दे तो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो मिलते हैं आप अगले सेशन में, और जो भी वीडियोस रहती हैं, जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करता हूं उसे पूरा देखें, और जो भी कमेंट करने का हो वहां पे, मैं दरअसल अक्सर वीडियोस में यह कह देता हूं कि किन चीज़ों के ऊपर कमेंट करना है, किन चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो कमेंट्स आप ज़रूर करें। तो लाइव सेशन अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।